हेलो दोस्तों, रिलीजन के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए टुवर्ड्स द एंड एक दो टॉपिक्स रह गए थे हमारे। ये है, एक तो रिलीजियस रिवाइवलिज्म और एक है फंडामेंटलिज्म। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम रिलीजियस रिवाइवलिज्म को खत्म करने की ट्राई करेंगे कि ये टॉपिक से हम क्या क्या इसको हम कोट कर सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे इंग्लिश का ही वर्ड है रिलीजन का, जब रिवाइवल हो जाए, जैसे जैसे आप देखो, आपको मैं एक सिंपल सा थॉट दे रहा हूँ, एक सिंपल सा दिमाग में अंडरस्टैंडिंग रखिए, पेपर में जाके काफी आसान हो जाएगा। तो जैसे सबसे पहले हम मानते हैं कि जो सोसाइटी मिडिवल एज में काफी धार्मिक हुआ करती थी, तो उसके बाद शुरू हुआ कौन सा प्रोसेस? प्रोसेस शुरू हुआ रेनेसों का। रेनेसों का प्रोसेस शुरू होता है, उससे क्या आता है कि रिलीजन विड्रॉ करना शुरू करता है। हमने पढ़ा था ये रिलीजन विड्रॉ करता है, तो उससे किस चीज का जो राइज हो रहा है शुरू? सेकुलरिज्म का। ठीक है जी, सेकुलरिज्म का राइज हो रहा है। और हम पैरेलली क्या बोल रहे हैं, सोसाइटी किसकी तरफ बढ़ रही है? मॉडर्न एरा की तरफ। तो मॉडर्न होते जा रहे हैं हम सब। तो बहुत सारे थिंकर ऐसा मानते हैं कि अब सोसाइटी मॉडर्निटी से जब पोस्ट मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रही है, जब सोसाइटी मूव्स टू फ्रॉम मॉडर्निटी टू पोस्ट मॉडर्निटी, तो हम सेकुलरिज्म के भी पोस्ट जाएंगे, विल ऑल्सो गो पोस्ट सेकुलरिज्म, एंड देर इज अ ग्रेट चांस कि रिलीजन रिवाइव होगा। और ये बहुत सारी दुनिया में जगहों पर दिखता भी है। ये बहुत सारे थिंकर्स पहले ही कह गए थे कि जैसे ही सोसाइटी मॉडर्निटी से आगे बढ़ेगी, वो सेकुलरिज्म से भी आगे बढ़ेगी एंड अकॉर्डिंगली रिलीजन रिवाइव होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो इसको शुरू करते हैं इस कहानी से आगे। तो एंड वेरियस जो आपको एग्जांपल्स यहां कोट करने हैं कि यस रिलीजन रिवाइव हो रहा है या नहीं हो रहा अकॉर्डिंगली, तो आप सिंपल यहां पे क्या बोलोगे, जो मॉडर्न सोसाइटी में जो रोल ऑफ रिलीजन है ये काफी वेरी करता है हर एक तरह की सोसाइटी में। ये ऐसा सेम नहीं है कि जैसे लेट्स से इंडिया में जो रोल है रिलीजन का वो सेम होगा यूएसए में, वो सेम होगा यूके में। नो, ये काफी वेरी करता है। एंड सेकुलराइजेशन एक, ये हर एक सोसाइटी का फीचर नहीं है, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है। तो सेकुलराइजेशन ये सिर्फ जीरो या वन की गेम नहीं है कि यस सेकुलराइजेशन है या फिर नहीं है, ये मैटर ऑफ डिग्री भी है ना। हम ये पढ़ते हैं ना बातें वाली जो सोशल साइंस में पढ़ते हैं, सिर्फ हम यही है कि मैटर ऑफ डिग्री है कि कहीं ज्यादा कहीं कम। रिलीजन तो एग्जिस्ट करता ही है बहुत जगहों पर। एंड देन रिलीजन जैसे यूएसए में बोलते हैं ज्यादा दिखता है हमें, यूके में रिलेटिवली रिलीजन थोड़ा कम इन्फ्लुएंशियल है, कम इन्फ्लुएंस करता है पॉलिसीज को, लोगों को, तो यूएस में ज्यादा दिखता है करते हुए। ये हर लंबस भी लिखता है। एंड देन उसके बाद ये वही वाली बात है पोस्ट मॉडर्निटी वाली, जब बोलते हैं कि सोसाइटी जब मॉडर्निटी के बियॉन्ड जाएगी तो वो सेकुलरिज्म के बियॉन्ड भी जाएगी। तो ये ऐसा मानते हैं बहुत सारे थिंकर्स। तो और फेथ और रिलीजन रीडिस्कवर होंगे नई नई तरह की चीजों में, साइंस में विश्वास का बढ़ जाना, साइंस की हर चीज का प्रॉब्लम का सोल्यूशन साइंस निकाल देगी, ये भी मानना एक तरह से रिलीजियस और फेथ की बात ही है कि साइंस एज अ रिलीजन बनती जा रही है। तो नई नई तरह की चीजें, डर्खाइम वगैरह ये बोलते हैं। ठीक है जी। एंड अब जैसे वो था मॉडर्निटी का विश्वास, लेकिन अब जैसे पोस्ट मॉडर्निस्ट कैसे बोलेंगे कि ग्रेजुअली साइंस एंड रेशनैलिटी की भी अपील कम होती जाएगी दुनिया में, क्योंकि अकॉर्डिंगली मॉडर्निटी के हम बियॉन्ड जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। और ये देखो, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, दुनिया में हर जगह पर सेम फिनोमेना नहीं हो रहा, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम। किसी किसी जगह पर तो आप बोल सकते हो कि मॉडर्निटी भी अभी प्रॉपरली नहीं आई। ठीक है, ओके। तो डेविड मार्टिन एंड जाइल्स केपल दो बंदे हैं, इनके हमने व्यूज पढ़ने हैं। डेविड मार्टिन क्या बोलते हैं, ये सेकुलराइजेशन का वाइडर एक व्यू लेके चलते हैं। ये बोलते हैं कि रिलीजन का रोल सोसाइटी में बहुत चेंजिंगली, जो डिफरेंटली दिखता है हमें, चेंजिंग रोल है। कहीं पर सोसाइटी में कुछ और तरह से, कहीं पर लेट्स से पॉलिटिक्स में बहुत इन्फ्लुएंशियल है, कहीं पे इकोनॉमिक्स में, कहीं पर जैसे नॉर्मल इंटरेक्शन में। तो ये बहुत वेरी करता है, और इसीलिए बोलते हैं कि जनरल ट्रेंड टुवर्ड्स सेकुलराइजेशन की सारी दुनिया सेकुलर हो रही है, इसका हमें लिटिल एविडेंस है कि वी डू नॉट रियली फाइंड मच एविडेंस फॉर दैट। ठीक है, हमें इसके बहुत ही जो लिमिटेड से प्रमाण मिलते हैं कि सारी दुनिया सेकुलराइज हो रही है। एग्जाम्पल्स लेंगे आगे। ठीक है, पर एक बार आइडिया समझो कि ये जो सारा आइडिया है क्या, कि रिलीजियस जो है रिवाइवलिज्म हो रहा है। ठीक है, और सेकुलराइजेशन के हमें हर जगह सेम ट्रेंड नहीं मिलते। जाइल्स केपल भी ये बात बोलते हैं कि कहते हैं 1970s के आसपास तो मेजर रिलीजियस रिवाइवलिज्म के जो बहुत सारे जो हमें एग्जांपल्स नजर आते हैं, इवेंट्स नजर आते हैं, हम एग्जांपल्स देखेंगे अभी। तो और ये क्या बोलते हैं कि ये किसकी तरफ इनका एम क्या था, जितने भी 1970s के आसपास जो रिलीजियस रिवाइवलिज्म शुरू हुआ, ये एक सेक्रेड फाउंडेशन को रिकवर करने का, कि जिस पर समाज बेस्ड मानते थे कि ये समाज किसी एक सेक्रेड चीज पर बेस्ड है, उसको रिकवर करने की एक ट्राई, कि सोसाइटी को रिकवर किया जाए, सोसाइटी बहुत डिग्रेड हो गई है, रिकवर करने की ट्राई। एंड इसीलिए ये एग्जाम्पल्स अब यहाँ देखो बहुत सारे, अभी दो पेजों में हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, एग्जाम्पल से ही आंसर बनाना अपने बताते हुए, कि ऐसे हम वो नहीं बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ कि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, हम एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे कि यस हो रहा है रिलीजियस रिवाइवलिज्म।
कि यूएस एंड यूरोप में क्रिश्चियन मूवमेंट्स हैं, इसराइल में जूस एंड मुस्लिम्स, डिफरेंट जगहों पर रिलीजियस जो रिवाइवल मूवमेंट चलाई गई। इंडिया में भी आप बोल सकते हो कि बहुत सारे अभी पॉलिटिक्स में भी रिलीजन वापस आ गया बहुत मेजरली, एंड अगेन हम देखते हैं कि रिलीजन रिवाइव हुआ इंडिया में भी हिंदुइज्म के थ्रू। एंड 1978 का एग्जाम्पल, फ्रांस में री क्रिश्चनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, की सोसाइटी में इस्लाम बहुत बढ़ रहा था तो वहां पर री क्रिश्चनाइजेशन की ड्राइव शुरू होती है बाय कैथोलिक ग्रुप्स, कि कैथोलिक ग्रुप्स कहते हैं कि सोसाइटी में अदरवाइज बहुत सारे इस्लामिक लोग हो गए हैं तो क्रिश्चियन बनाए जाएं। उसके बाद यूएसए में इवेंजेलिकल न्यू क्रिश्चियन राइट, ठीक है, ये आते हैं, ये अमेरिकन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड देन इसराइल में लुबाविच मूवमेंट एक मेजर मूवमेंट है, जो कह रहे थे कि ना कि जो ज्यूइश बिलीफ है वो काफी वेस्टर्नाइज हो गए हैं, भूल गए हैं अपने ज्यूज की आइडेंटिटी, तो लुबाविच मूवमेंट में वो वापस ट्रेडिशन की तरफ वापस जाने की बात करते हैं, कि इसके जो अभी जो वाटरिंग डाउन, मतलब जो ट्रेडिशन को आप भूलते जा रहे हो, जो फीके पड़ते जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट एक मूवमेंट है लुबाविच मूवमेंट। और उसके बाद बाकी ईरान में तो आपको पता ही है, जो शाह रजीम को जब उठा के फेंक दिया था, एंड अल्जीरिया में सभी, और उसके बाद जितने भी वहां पे बनाई गई रेजिम्स सारी इस्लामिक आइडियाज पर ही बेस्ड है, ठीक है। एंड पैलेस्टीन रेडिकल इस्लामिक ग्रुप्स, जैसे जो हमस या हमास जो भी बोलते हो आप इसको, इसकी जो प्रोमिनेंस में आना, ये सभी रिलीजन के नाम पर लोग मोबिलाइज हो रहे हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं प्रमाण है। जाइल्स कैपल जो एक मेजर एक एग्जांपल की तरह पॉइंट आउट करते हैं, सलमान रश्दी अफेयर, ये यूके में हुआ, यूके को बहुत ही लिबरल कंट्री माना जाता है, आप इससे एग्जांपल लगा, इसे अपना अंदाजा लगाइए कि जैसे वहां पर इतने लॉज लिबरल हैं कि अगर आपको रानी जो क्वीन है वहां पर अगर उसकी पॉलिसीज पसंद नहीं है तो आप इंग्लैंड का या यूके का झंडा जलाकर रानी के कैवलकेड पर फेंक सकते हो। ऐसा बहुत लोग करते हैं जब उनकी पॉलिसी पसंद नहीं होती। इंडिया में इमेजिन करो, हम ऐसा नहीं कर सकते ना, हमें झंडा हम ऐसा सोचेंगे तब भी हमें लगता है कि देशद्रोह है, तो वहां पर इतना लिबरल है कि यस वी डू नॉट रियली बिलीव इन योर पॉलिसीज, तो वो फ्लैग जलाकर कैवलकेड पर फेंकते हैं लोग, वहां पर एक ट्रेडिशन है, तो काफी लिबरल कंट्री है, वहां पर लोग बुरा नहीं मानते ऐसा, कि ऐसा नहीं कहते वो देश खराब हो गया, देश खतरे में, तो जबकि इंडिया में ऐसा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया इज अ यंग कंट्री, ठीक है, तो अभी यंग कंट्री यंग नेशन है, तो अभी हम इतना डेवलप और अभी आइडिया हमने इतना जो अपने दिमाग में रूट हमारा रूटेड नहीं है, तो ग्रेजुअली, तो वहां पे इसीलिए जो जितने भी आप इमेजिन करो आइडियाज, जो हम मॉडर्न डेमोक्रेसी देखते हैं, जो मॉडर्न सेक्युलरिज्म देखते हैं, ये सारे के सारे आइडियाज कहीं वहीं इंग्लैंड के आसपास ही बने हैं, इंग्लैंड ने प्रैक्टिस किए, इंग्लैंड ने ही दुनिया को दिए, तो इसलिए यूके काफी लिबरल माना जाता है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, बहुत सारी चीजें। तो यूके में भी सलमान रश्दी की जो बुक थी सैटनिक वर्सेस, उस पर बैन हुआ था, यूके जैसी कंट्री ने बैन कर दिया, तो बताते हैं कहते पक्का देखो कि अदरवाइज तो वो इतने लिबरल है कि फर्क नहीं पड़ता, अभी सलमान रश्दी का आइडिया है, जो लिखना चाहे लिख दे, तो बैन नहीं करते वो, तो लेकिन वहां पर जब बहुत प्रोटेस्ट हुआ तो वहां पर भी बैन लगा। इंडिया में तो ये किताब आज तक बैन्ड है, ठीक है, और जो क्योंकि वहां पर ब्रिटिश मुस्लिम्स ने बहुत प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट द बुक सैटनिक वर्सेस, तो इसलिए वो उसको वेस्टर्न यूरोप में बैन कर दिया गया था। जो मेजर दिखाया जाता है कि किस तरह से रिलीजन वापस आया वहां की पॉलिटिक्स में। और कैपल क्या बोलते हैं कि ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स जितने भी हमने देखे ये काउंटर सेकुलरिज्म एग्जाम्पल हैं, और इसी के कारण क्या होता है न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स जो नए नए तरह के धर्म बनते हैं सेक्ट्स एंड कल्ट्स, वो भी दिखता है कि कहीं ना कहीं सेकुलराइजेशन हो रही है या नहीं, हमें पता नहीं चलता। तो इसीलिए कहते हैं कि ना हम जितनी भी ये न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स हैं, हर लंबस में इसमें 5 या 6 पेज दिया हुआ है, मैं सिर्फ उसको यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको इतना पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो कहते हैं जितने भी ये न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स हैं इनको आप किस तरह से 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हो। पहला वर्ल्ड रिजेक्टिंग, ये न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स के आपको अगर टॉपिक आए तो उस पर भी जान सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिलीजियस रिवाइवलिज्म में भी यूज हो सकता है, कहीं ना कहीं न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स कौन से चल रहे हैं उसमें भी आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो, ठीक है। पहली होती है वर्ल्ड रिजेक्टिंग, ये बोलते हैं सब कुछ दुनिया छोड़ो मोह माया चलो जंगल में जाके बैठते हैं अपनी अलग कम्युनिटी बनाते हैं, वर्ल्ड रिजेक्टिंग ये मूवमेंट्स होती हैं, अलग तरह की बात करके दुनिया में अलग तरह के धर्म बना के लोग चले जाते हैं जो समाज छोड़कर, और ये यूएस में बहुत फेमस थी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो इतना था कि ऐसा था कि यूएस की सोसाइटी विल माइट ब्रेक डाउन क्योंकि बहुत लोग अट्रैक्ट हो रहे थे वर्ल्ड रिजेक्टिंग की तरफ। देन आते हैं वर्ल्ड अकोमोडेटिंग, वो कहते हैं कि दुनिया में साथ रह के ही हमें सब कुछ ये काम करने हैं, तो दुनिया छोड़ने की बात नहीं करते लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि हमें सभी एक अलग तरह के हम जो आइडिया में विश्वास है अलग तरह के धर्म में विश्वास है तो वो अलग तरह की चीज़ को लोग फॉलो करते हैं लेकिन रहते दुनिया में ही हैं, जैसे दुनिया मतलब फैमिली लाइफ चलाते हैं अपनी,
जॉब्स पर जाते हैं, वर्ल्ड को अकोमोडेट करने की बात करते हैं, एंड तीसरे होते हैं वर्ल्ड अफर्मिंग, ये इंजॉय करते हैं कि दुनिया में इतनी सारी जो चीज़ें हैं, फैमिली लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, जो भी, इसको अफर्म करते हैं, इसमें इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और ये देख रहे हो आप कि ये नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, ये न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू, ये पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वर्ल्ड। तो अकॉर्डिंगली ये तीन तरह के रिलीजियस मूवमेंट्स हैं, आप हर लंबस पढ़ोगे इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, छोटे 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 नाम दिए हुए हैं, याद हो जाए तो बहुत ही गनीमत है। और इसलिए मैं तो इतना आपको फेवर नहीं करूंगा याद करने के लिए, क्योंकि ये पेपर में सवाल पूछा नहीं गया अभी तक, और रादर हम ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ ये एग्जांपल्स ही कहीं ना कहीं छोटा सा एग्जांपल यूज होगा ये वाला, तीन नाम भी इतना एज सच सेपरेट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम है, अभी तक तो नहीं आए, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद यहाँ पे बस अंत में आपको एक कुछ मैं कॉन्क्लूडिंगली लाइंस बता रहा हूँ, जो एक होजे कैसानोवा, जो ये एक अगेन आपने नाम पहले भी पढ़ा है इनका, पॉलिटिक्स में चैप्टर वन में पढ़ा है हमने और स्ट्रैटिफिकेशन में पढ़ा था इनका नाम। तो ये क्या बोल रहे हैं कि कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ में, जो आजकल की जो सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है कि रिलीजियस जो जितने भी प्रैक्टिसेज हैं, रिलीजियस बिलीव्स प्रैक्टिसेज, ये मर नहीं रहे, दे आर नॉट डाइंग, ठीक है, लेकिन ये वापस आ रहे हैं समाज में, री एंटरिंग पब्लिक स्फीयर। तो ये कहते हैं इंक्रीजिंगली हमें एविडेंस दिखता है कि दे आर कमिंग बैक इनटू द पब्लिक स्फीयर, एंड इसलिए ये अब अगेन क्या बात बोलते हैं यहां पर कि ये वाला लाइन देखो आप प्लीज, रिलीजन रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट फोर्स दो इन न्यू एंड अनफेमिलियर फॉर्म्स। वो कह रहे हैं हमको पता ही नहीं बस कि किस किस तरह से रिलीजन एग्जिस्ट करता है, लेकिन एग्जिस्ट करता है रिलीजन अनफेमिलियर फॉर्म्स में, जो आप जो स्टैंडर्ड तरह से पढ़ते हो ना रिलीजन को, वैसा रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करता डेफिनेटली, लेकिन अलग तरह से, जो कि अकेडमिशियंस देख ही नहीं पाते, और अकॉर्डिंगली इसीलिए रिलीजन तो चलता ही जा रहा है, रिलीजन हैज नॉट डाइड इन मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है दोस्तों। तो फंडामेंटलिज्म का एक छोटा सा और एक लेक्चर होगा, उसको भी हम कवर करेंगे, फंडामेंटलिज्म और रिलीजियस रिवाइवलिज्म में आपको डिफरेंस आना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली उसको भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। इस लेक्चर को रिवाइज करो, आपके पास नोट्स हैं, एंड देन विल फिनिश द चैप्टर ऑफ रिलीजन, एंड देन विल मूव ऑन टू चैप्टर ऑफ फैमिली, ओके दोस्तों। चलो मिलते हैं जल्दी, थैंक्स अ लॉट।